कॉलिंग एंड चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे फुल साइज़ का थंबनेल रखें। दोस्तों बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों मेरे दोस्तों, उससे पहले जैसे आपका वीडियो जिस चीज़ पर डिपेंड है आप उसका कैसे दोस्तों रखें, एकदम इजी तरीका है दोस्तों। जैसे कि मेरा थंबनेल देख लीजिए, मेरा जो भी थंबनेल है दोस्तों फुल स्क्रीन का है और आज की इस वीडियो उन पर डिपेंड है दोस्तों। जिनका जो वीडियो का थंबनेल जो रहता है हाफ रहता है दोस्तों, जो मैं दिखा देता हूँ उनको कैसे पहले आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों उसे ओपन करते हैं काइन मास्टर को। फिर दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप लोग को यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। प्लस के बाद दोस्तों आप लोग को दो ऑप्शन पूछेगा, आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों आप लोगों का सामने कुछ ऐसा आएगा, फिर आप लोग को यहाँ मीडिया ब्राउज़र दिख रहा होगा, आपको जिसे अपने यूट्यूब का, आपको जिसे अपने वीडियो का बैकग्राउंड रखना तो आप वो भी रख सकते हैं, या आपको कोई कलर रखा है, कलर रखना है बैकग्राउंड में येलो वाइट रेड ब्लू ब्लैक, जो आपकी मर्ज़ी आप वो रख सकते हैं। अभी मैं जैसे कि अभी मैं जीरो पे मेरा वीडियो है, आपको यहाँ मीडिया पे जाना है। मीडिया के बाद दोस्तों आपने जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिएगा या कुछ भी फ़ोटो वोटो लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये फ़ोटो लगा रहा हूँ, अभी हमें इसे समझ लो, और जैसे कि मैं इतना लगा दिया, इधर मैंने ऐसा लगा दिया ये फ़ोटो को। अब आपको इधर लेयर दिख रहा होगा, लेयर पे क्लिक कीजिए। अब इधर टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब टेक्स्ट के बाद दोस्तों आप इसमें हिंदी भी लिख सकते हैं, अगर आपके कीबोर्ड में दिया है तो मैं लिखता हूँ कैसे अपने यूट्यूब चैनल पर, जैसे कि अभी मैंने इतना लिख दिया दोस्तों, मैं खाली यूट्यूब चैनल लिखता हूँ। अब इतना लिखने का दोस्तों आप इसमें कोई भी अच्छा सा हैंडराइटिंग ले लीजिए। इधर बहुत सारा दिखा रहे थे दोस्तों, जैसे कि अभी मैं ले लेता हूँ इधर ये बीवेन। अब मैं इस इधर कलर ले लेता हूँ कोई भी, आपको जो पसंद है आप वो कलर ले लीजिए। जैसे कि अभी मैं ब्लू ले लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने लिखा कैसे अपने यूट्यूब चैनल, अब मैं लिख देता हूँ इधर कैसे अपने यूट्यूब चैनल पर, फुल साइज का थंबनेल जैसे कि अभी मैंने इधर इतना लिखा। अब मैं इसकी साइज ले लेता हूँ, मैं इसमें अपनी हैंड राइटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने पूरा सेट कर लिया है। अब जैसे कि मैंने ये इमेज लिया है आपको दिख रहा होगा, तो दोस्तों अभी मुझे ये इमेज में क्या करने लिया हो, तो जैसे कि मेरा वीडियो इसी पर डिपेंड है, आप इसे ये टेक्निकल गुरु जी की तरह फुल साइज का रखें। तो अभी मुझे इन पर फोकस डालना, तो मैं कैसे डालूँ, आप प्लेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर हैंड राइटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको इधर ये एरो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर एरो के बाद दोस्तों आप उसे अच्छी तरह से ऐसा कर लीजिए,
इतना करने का दोस्तों, तो हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस तरह से हमने दोस्तों किया, अब हम और भी ले लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए दोस्तों पूरी तरह से सेट हो चुका है, तो अब मैं इधर टेक्स्ट डाल देता हूँ लाइक। अब मैं इधर फॉन्ट ले लेता हूँ, जो भी दोस्तों आपको फॉन्ट अच्छी लगे आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों जैसे कि मुझे इधर ब्लैक बैकग्राउंड चेंज करना, तो उसे मैं कैसे करूँगा, आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फिर आपको इधर बैकग्राउंड दिखेगा, बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। फिर आप इसमें से कोई भी एक बैकग्राउंड ले लीजिए। अब आपको इधर ही ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, फिर आपको इधर नीचे कुछ दिख रहा है स्लाइड स्लाइड का, उसे हम ले लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें इसकी ओपेसिटी कम करनी है, इधर आपको ओपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों होगा कितनी आसानी से। तो दोस्तों हम ये सब भी दोस्तों देखिए अच्छी तरह से दिख रहा है। फिर दोस्तों हमारा पूरा सेट होने के बाद दोस्तों आप लोग को इधर ऑप्शन दिख रहा होगा टॉप पे कॉर्नर में, उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको दोस्तों इधर प्रोजेक्ट आ जाएगा, उस पर क्लिक करते हैं आपके प्रोजेक्ट पे। फिर आपको इधर प्ले का ऑप्शन दिखा, आप प्ले पे क्लिक कीजिए। फिर आपको इसे पॉज कर लेना, फिर पॉज के बाद दोस्तों आप लोग को इसका स्क्रीन शॉट ले लेना। इसी तरह से दोस्तों आप अपने फुल साइज का थंबनेल रख सकते हैं, जहाँ से भी दोस्तों आप थंबनेल रखते होंगे ये स्क्रीनशॉट को दोस्तों उस पर डाले, तो आपका दोस्तों फुल साइज़ का थंबनेल आएगा। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक।